Satsriyakal, Assalamu Alaikum, Game Cho, and welcome to Dash Ka Dam! Jahan aaj ek dusre ke mukable apna dam aazmayenge do musical bhai. Pehle bade bhai ko bulate hain Dilair Dilair Paji ko. Duniya ka raag barangina hai pehli raag. दस का दम में आए. थैंक यू. अच्छा आप सब मिले बड़े भाई से, तो अब बुलाते हैं छोटे को. प्लीज वेलकम द असली सिक्का मिक्का. अच्छा मुझे बात बताएं कि आप दोनों कभी किसी शो पे साथ साथ गए नहीं हो? हाँ, बड़ी कोशिश हुई लेकिन कभी जा नहीं पाए. एक जगह गए थे तो मिक्का जी वहाँ रोने लग गए, फिर वो शो ही फ्लॉप हो गया. रोने क्यों लगे? हमारे एक टक्कर का कोई हीरो नहीं था यार. तो हमें सिर्फ सलमान भाई मिले और हम दोनों आगे एक बार. ओहो. लेकिन ये रोने का क्या चक्कर है कहाँ जी? अक्सर मैं इनके पास रोता ही रहता हूँ, बिकॉज ये मुझे हमेशा रुलाते रहते हैं. पाजी इस पल मैं आपको रूल समझा देता हूँ इस गेम के. ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड. अब इस राउंड के रूल्स गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना. जी. आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल. इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड और इस 10 सेकेंड में आपको अपना अनुमान लगाना है. जिसका भी जवाब आवाम के जवाब से ज्यादा करीब होगा वही सही जवाब होगा. पहले 3 सही जवाब देने वाले मेरे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए दस का दम. तो अगर आप जीत गए या आप जीत गए तो ये पैसे कहाँ पे जाएंगे, किस किस चैरिटेबल ट्रस्ट में? आपके खुद सही देखे पाजी, पाजी मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे पैसे देना. ओके थैंक यू. अभी हम लोग का गुरुद्वारा भी एक चला रहे हैं जहाँ पे रोज सुबह शाम 1000 लोग के करीब लोग लंगर खाते हैं रोज. 1000 लोग सुबह शाम. और किसी से डोनेशन लेते नहीं हम लोग. तो आइए खेलते हैं 10 करोड़ के लिए 10 का दम. ये रहा नॉकआउट राउंड और ये रहा आपका पहला प्रश्न. कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो नाड़े वाले कच्छे पहनते हैं? नाड़े वाले पे हो या इलास्टिक पे आ गए? अभी इलास्टिक पे. हाँ, इलास्टिक पे. पाजी मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी कादर खान साहब ने बहुत उसको मशहूर किया. लेकिन ये क्या बच्चों की ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं? मुझे लगता है क्योंकि जिप विप में तो फंस जाती हुई ना थोड़ी सी. खैर हम लोग तो सिख फैमिली में रहें तो वहाँ तो एक निशान ही है कि नाड़े वाला जो कछहरा है जी वो रहता है. लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि जैसे बारिश होती है और अब वो पहन के निकल गए और वो नाड़े ने सोक इन कर लिया. हाँ, और हाँ, और टाइट हो गया और आपको आई है बहुत जोर से और वो खुल नहीं रहा है. ये भी नहीं पर उसमें क्या है, अगर आई है तो आप ऐसे उठा के कर सकते. अच्छा खोलने की जरूरत नहीं. ये पाजी कभी आपने वो डाला है, मतलब कभी कभी नाड़ा एक साइड से निकल जाता था तो फिर वो सेफ्टी पिन या टूथब्रश से वो? जी हाँ. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एकदम एज पे आके निकलता था, फिर नाखून से उसको फोल्ड करो, नाखून से निकाले जा निकाले जा. अरे यार बहुत परेशानी होती है उसके अंदर. क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, काश आपने लड़कियों के बारे में पूछा होता तो मैं खुल के बताता.
हमने कभी पुरुषों को तो कभी कच्चे में देखने की कोशिश नहीं की है। लेकिन क्या होता है कि जब शलवार कमीज जो आदमी पहनते हैं नाड़े, वो उन्होंने दोनों साइड से गांठ बांध के रखी हुई थी और फिर एक और गांठ बीच में। जब भी मैं डांस कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान है कि कहीं अगर एक बार भी भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो मैं जितना ए गन पर चल दारुल्ला तो सारा मतलब यही डर लगा रहता यार कहीं खुल ना जाए। और सलमान भाई को ये फायदा है कि अगर सलवार उतर जाए तो आप शर्ट भी उतार दोगे। ये बात पूरे इंडिया में सिर्फ सलमान भाई ऐसे हैं जो कि इतने हैंडसम और इतनी बॉडी है उनकी, क्या फर्क नहीं पड़ता। आप कभी उतर गया तो आप आराम से खड़े हो जाएंगे और लोग गर्ल्स तो वैसे ही पागल हो जाएंगे, वाओ लोग उसी में खुश हो जाएंगे, तालियां मारेंगे। कच्चे में, कच्चे में नहीं, कच्चा नहीं भी हो तो भी खुश हो जाएंगे। मतलब गिर गया इन केस पर। आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। दिलर पाजी 48%, मिक्का पाजी 46%, आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय नाड़े वाले कच्चे पहनते हैं। जीत गए यार, कच्चों में जीते हैं आप। अरे हर आदमी कच्चा पहनता है, ओए कच्चे पहनने से कुछ नहीं होता, ओए कच्चे से बिना कोई जिंदगी नहीं है। बनाड़े टाइप होने चाहिए। मिठू भाजी, हाँ जी भाजी, बच गई गिटार दिल में। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। सलमान भाई के बार बार धड़कन गाए मल्हार, 1 2 3 स्टार पावन में बार बार धड़कन गाए मल्हार, लोग मुझे कैसा ये लगा रे, हर रात भर ख्वाबों में जगा रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। थैंक यू मिक्का भाजी, सुपर। आप दोनों का अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सिर्फ भांगड़ा ही करते हैं चाहे जो भी संगीत बज रहा हो। जो एक पंजाब का जो एक जोश है, एक एटीट्यूड है, वो जो चलता है आदमी और अप्पा जी वो जो है ना, वो छाछ और लस्सी का एकदम खुले दिल के जो आदमी होते हैं, जिंदा दिल ये जी। पंजाब में खास बात क्या है कि अगर आप माइकल जैक्सन का सॉन्ग प्ले कर लो या कोई हिप हॉप प्ले कर लो, उनका ऐसे रहता है। बस ये कि जो भी नाचे वो डिओड्रेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसमें है डांसिंग कम है और शोर शराबा ज्यादा है। इतना ही चलते रहता है। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। दिलर पाजी 40%, मिक्का पाजी 60%, आए देखें के कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो चाहे कौन सा भी गाना बज रहा हो सिर्फ भांगड़ा करेंगे। अरे
से, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ही दो नहीं हैं जो कि पगड़ी में अच्छे लगते हैं, माफ कीजिए। अरे यार सलमान भाई, एक और बंदा है भाजी, सलमान खान पूरे पंजाब में आपके फैन कॉलिंग बढ़ गई थी। मैं आपको दिखाऊं, एक क्लिप दिखाऊं उसका? प्लीज दिखाओ ना, प्लीज। मैं मंगिया सी मन्नता वे मन्नता, तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता, तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता। अब आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि कुछ ड्रिंक्स के बाद सारी ही महिलाएं आकर्षक दिखती हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि कितने बंदे जड़े ने और दारू पी के उन्होंने ये लगता है कि कुड़ी बड़ी सोहनी है। Well, मुझे लगता नहीं कि भैया बता पाएंगे क्योंकि ये तो पीते नहीं कभी। क्योंकि मैं पुरुष नहीं, मैं महापुरुष हूँ। महापुरुषों को हरदम महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं बिना ड्रिंक के। लेकिन अब आप कभी कभी मैंने सोचा नहीं, मैंने बंद कर दी पाजी। आप कभी चोरी छुपे शायद ये पीते हैं तो इनको पता होगा कैसा लगता होगा। आपके कुछ विशेष टिप्पणी है कि ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि ड्रिंक के बाद ना एक आपके साथ तो हादसा हो चुका होगा शायद, नहीं ड्रिंक के बाद कोई ऐसा हादसा आप जो हमने हमको नहीं मालूम हो आप बताएं कि आपसे ऐसा हो चुका हो फिर आपने सोचा कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि आप वैसे जो हादसा था वो तो विदाउट ड्रिंक ही था वो तो। अगर विदाउट ड्रिंकिंग इतना गंदा हादसा है तो ड्रिंक करके कैसा होगा? एक्चुअली ड्रिंक करने के बाद आदमी कॉन्शियस हो जाता है कि नहीं यार मैं गलती ना करूँ जो मुझे लगता है। अच्छा, ड्रिंक करने के बाद उसको फैमिली पूरी नजर आती है कि ये मासी है, ये बहन है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आई थिंक ड्रिंक के बाद वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। अजीब सा एटीट्यूड आता है इंसान के अंदर कि वो फिर लगता है बस फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है काम का ऐसे चलता है। मुझे याद है कि मैं वैसे सॉरी बाजी थोड़ी ड्रिंक मेरी ज़्यादा होगी थी और युवराज का बर्थडे था तो मैं फुल कहीं और ही मतलब मैरिड में ड्रिंक कर रहा था। मुझे किसी ने बताया कि युवराज का बर्थडे, अब मैं क्योंकि वो पंजाबी तो मुझे अच्छा लगता है यार चलो वो चौके छक्के मारता है और बढ़िया लगता है, सीधा बिन बुलाए उसकी पार्टी में घुस गया और वही साड़ा मनु नहीं बुलाया और वो बेचारा सोच रहा कि यार नहीं पाजी नहीं पाजी। मैं क्या बेटा ऐसे ही होता है, तू मनु क्यों नहीं बुलाया, तेरा बर्थडे तो मैंने नहीं बुलाया आज, गलत कहा। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, मैं निकल गया बड़ा मस्त। तो ये जो एटीट्यूड है ना ये पीने के बाद एक अलग सी मस्ती आती खाम खाई बस कि बस मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं। आई चला सोडा कम थोड़ा पानी मिला, आई चला सोडा कम थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल में वो साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल में वो साफ कर देना यार। हे बंपा बंपा वाओ के पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब पाजी। दिलेर पाजी ने लगाया 56% पर, मेकअप पाजी ने लगाया 61% पे। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये लगता है।
दिलरपा जी, स्कोर इज नाउ 2-1, आप लीड में। पाजी कितनी खुशी होती होगी कि आप अपने छोटे भाई को इस मुकाम पर पहुंचे हुए देखते हुए? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मिका बहुत छोटा था और 7-8 साल का जब था तभी ये एक गिटार लेके बहुत सारे गाने बजाता था, तो मैं इसको देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मन में होता था कि एक दिन कुछ ये बहुत बड़ा बनेगा, कुछ नाम होगा इसका अलग से। दुख हुआ जब ये ब्रांच आउट हुए और फिर अपनी खुद की कोशिश में लगे? उनका था तो पहली एल्बम थी जो सावन में लग गई आग, जब मिका ने प्लान किया तो मुझे ये था कि मैं काफ़ी देर बहुत 3-4 दिन बहुत मैं रोता रहा, बहुत अच्छा। बहुत रोया अकेला, काफ़ी छुप छुप के भी रोता रहा और मुझे दुख था कि अलग हो रहा है, लेकिन फिर उसने बोला कि मेरे बहुत तमन्ना है करना है, तो उसका स्टूडियो वगैरह कोशिश मैंने की, मैंने बुक किया। बाकी इसकी अपनी मेहनत और काफ़ी नाम कर लिया जी, और बड़े भाई का नाम और भी रोशन किया जी, बिल्कुल जी। मैं जो कुछ भी हूँ मेरे बड़े भाई की बदौलत ही हूँ। आपका अगला प्रश्न, अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो फिर आप खेलेंगे मेरे साथ मनी राउंड। रेडी में कबाजी? बिल्कुल भाजी। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचती हैं कि मूंछों वाले पुरुष को किस करने में गुदगुदी मचेगी? किसकी बात मत करा करो यार। क्या बाजी, आप कभी किसी को किस करने गए और हंसती? छोड़िए ना, गुदगुदी कर रहे हैं आप। ये तो सुना है कि आप दाढ़ी चुभती है, लेकिन ये मूंछ वाला गुदगुदी वाला कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, इनकी मुझे से रैश हो जाए, इतनी छोटी करके रखी। इनकी एक मुझे लगता है शायद इसमें महारत हो गई है, स्पेशल रैश वाली पप्पी ढूंढते हैं। हाँ, मतलब मेरी एक पप्पी पप्पा के बराबर होगी। एक्चुअली शायद हिंदुस्तानी लोग हैं वो आजकल, शायद वो 15-20 सालों से ही कुछ सीरियल देख के या इंग्लिश फिल्म में देख के उनको शायद लगता है कि लिप्स बड़े ज़रूरी हैं, बाकी मुझे लगता नहीं है कि इंग्लिश पिक्चर देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि लिप्स बहुत ज़रूरी है। मैं परेशान था कि इसमें मिलता होता क्या है, क्या ऐसा है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। दिनेश पाजी 35%, मिका पाजी 43%, आए देखें जवाब क्या है। जीत गए, आपको खुशी होनी चाहिए। हमेशा हमेशा खुशी। तो वेलकम टू द मनी राउंड। दिनेश पाजी, आप सिर्फ 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। हर सही जवाब आपकी रकम 10 गुना बढ़ा देगा, पहले 10,000, फिर 1,00,000, फिर 10,00,000, फिर 1 करोड़, और फिर पाजी 10 करोड़ रुपए। लेकिन एक गलत जवाब देते ही आपकी रकम 10 गुना घट जाएगी।
और आप इस गेम से आउट हो जाएंगे, मतलब 10 कदम पानी कम हो जाएगा। जी ऐसे कुछ होगा। आप किसी भी वक्त अपनी जमा रकम लेके जा सकते हैं, लेकिन पाजी छापने से पहले, जी। और फिर पाजी जिनको आपने अभी अभी हराया है जी, आपके छोटे प्रा, इनकी आप मदद दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको डुबा ना दे तो चश्मा उतार के मदद करोगे या बिना चश्मे? सलमान भाई के सामने खड़ा हुआ तो चश्मे में तो अच्छा लगूंगा यार। अगर मेरी बॉडी होती तो मैं सब कुछ उतार देता। चलो यार आंखों की मसल दिखा देगा। अच्छा लगा। ओके तो लेट्स प्ले। 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, 10,000 रुपयों के लिए और जो खिड़की होगी पाजी वो है 40% की। पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि राखी सावंत एक अच्छी पत्नी बन सकती है? इसमें कौन? मैं जा रहा हूँ। मेरी राय इस बारे में यह है कि ये लड़की 14 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू किया है और काम करती आई है, हमारे शो में भी आई थी लास्ट टाइम, तो उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों की गालियाँ खाई उन्होंने, बहुत लोगों ने उसको बुरा भला बोला है, और लेकिन लड़तियाँ ही लड़ती। एक दिन जब भी उनको राइट आदमी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन वो एक अच्छी पत्नी बनेगी। देखो बहुत सारे लोगों ने उसको गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कुछ कहा जी, लेकिन मैंने उसको गले से लगाया और वो पॉपुलर हो गई। लेकिन आपकी तो दोस्त है ना? ओए वो मेरी दोस्त थी और दोस्त है और दोस्त रहेगी। सुपर, तालियां। आप पहले एक अनुमान लगाइए इसमें। 10% भाई, 10%। बस दे भाई चले। आप भी एक पोल कीजिए, आप भी एक अनुमान लगाइए। देखिए पाजी, इतनी बात तो है उस लड़की में कि ये प्रश्न उसके ऊपर पूछा जा रहा है। हाँ। 10 का दम में। ये बात बहुत बड़ी बात। और जब भी मैं उनसे मिला हूं, बहुत आदर बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिली है मुझसे। तो परसेंटेज क्या बढ़ा दी जाए, क्या करी जाए, या एक बार आप ऊपर बोल रहे हैं भाई, थल्ले आप नीचे की बोल रहे हैं, थल्ले करो। आप नीचे क्यों कर रहे हैं? आपकी दोस्त है। नहीं, मैं कहता हूँ कि बहुत डेयरिंग वाला आदमी होगा जो उसका हस्बैंड होगा। हाँ, मतलब बहुत खुश नसीब होगा बेचारा जो रोज सेवा करवाएगा। क्योंकि मैंने पीछे देखा था, वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पीट रही थी, तो शायद हस्बैंड भी बेचारा। नहीं नहीं, उसको ये रियलाइज हुआ था कि पप्पी होती क्या चीज़ है। और बॉयफ्रेंड किस लिए मारा कि पप्पी लेने नहीं आती उसको, तो जो सीख के आओ उधर से। आप ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे प्लीज? 50% तक पीपल थिंक दैट शी इज गोइंग टू मेक अ गुड वाइफ। वो सोचते हैं उन्होंने बनाना नहीं है ना। पाजी जल्दी डिसाइड करो, टॉपिक चेंज करो यार, आगे चलो। हाँ 10 भाई कितना? 10-40 ठीक है पाजी। ओके लॉक। 15 ओके। 15-55। आप छापना चाहेंगे? जी करें। दिनेश पाजी ने छापा है 15-55%। आए देखें व्हाट इज द परसेंट। Yeah.
भाई को हरवा देते। तेरा अपना दिल तो नहीं करता रहता कुछ कादे ली? ऐ शादी करवाते। ये मसला बड़ा बहुत गंभीर है मेरा। क्या हो गया? ये सलमान भाई जी ये बहुत पीछे पड़े हैं मेरी शादी के लिए। अच्छा। और मैं एक ही बोलता हूँ, जब तक तो सलमान भाई शादी नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा। अब आप बताओ फाजी को जब भी ऊपर वाले ने लड़कियाँ दी हैं चूज करने के लिए तो सिर्फ परियाँ दी हैं, हूर परियाँ। पर तब भी शादी नहीं कर रहे हो? तू भाई सूरत लव के लिया। आप दोनों शादी कराओ, दोनों के बच्चे होने बहुत जरूरी है। हम दोनों आपस में शादी करेंगे? नहीं। पहले दोनों शादी कराओ बच्चे। सरदार हो, कितनी गंदी बातें। नहीं यार मैं क्या डबल मीनिंग वाले ट्रिपल मीनिंग वाले। नहीं नहीं डबल बात है कि आप दोनों बड़े भाई और आप सब जरूरी है शादी होनी। क्यों जी होनी जरूरी है? पाजी जी मुझे एक बात बताइए, अभी तो शायद कुछ मायने नहीं रखे जी, लेकिन पहले 1,00,000 रुपए क्या मायने रखते थे? मैंने जब शो शुरू किया था तो 150 रुपए मुझे एक शो के मिलते थे, और 150 रुपए मुझे मिलना और उसके अंदर ही बहुत मैं खुश रहता था कि चलो अभी 150 मिल रहे हैं कोई बात नहीं। धीरे धीरे 600, 1,000, 5,000, 6,000 तक हम लोग शो पहुँचे, और 6,000 में हम लोग कितने लोग थे? ग्रुप होता था हमारा पूरा भाई 10-12 लोगों का, उसमें बाद में मीका भी अटैच हो गया और छोटे छोटे साथ में एक दो भाई, एक छोटा भाई और था। तब 6,000 में शो करना, और ये आप यकीन कीजिए कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे परफॉर्म करते रहते थे, और जब पैसे लेने की बारी आती थी 6,000 के लिए शो करने के बाद, फिर हम लोग घूम रहे हैं जिसने शो कराया है उससे पैसे लेने के लिए, और इतनी हिम्मत नहीं है, और वो क्या करते थे, खाना खाना शुरू कर देते थे जिन्हें शो कराया, और हम लोगों ने शो कर लिया, खड़े हम लोग आप पास में जा रहे हैं, ओ सर पाजी यार सवेरे आई ऐसे कर देते थे, मतलब 6,000 भी मांग नहीं सकते हैं, परफॉर्म भी कर दिया तो 1,00,000। मैंने एक बारी सोचा कि पहले 1,00,000 जमा करूं। मुझे याद है कि कभी चीनी के एक बड़े से डब्बे में 2,000-3,000 करते करते मुझे 1,00,000 जमा करने के लिए 3 साल लग गए थे। 3 साल लग गए थे। 95 से जब बोलो तारा रहा आई तो अमेरिका से सोच के आया था कि बहुत बड़ा नाम कमाना है, जो कि आपने कमा लिया। कमाया, लेकिन 1,00,000 की वैल्यू मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। गाने से पहले आप करते क्या थे? गाने से पहले ये अफवाह है या सही बात है कि आप अमेरिका में टैक्सी चलाते थे? जी मैं फ्राइडे सैटरडे संडे तो गज़लें गाता था और कुछ फारसी गाने अफगानी सॉन्ग गाता था, परफॉर्म करते थे हम लोग, लेकिन मंडे टू थर्सडे तक हम लोग मेरे भाई की कैब कंपनी थी, खालसा कैब कंपनी और एक येलो कैब कंपनी के नाम से, तो मैंने उनको बोला कि आप एक टैक्सी मुझे प्लीज़ दे दीजिए ताकि मैं दिन भर और तो कुछ कर नहीं पाता हूँ तो बोर बहुत होता हूँ तो ये चलाता रहूँ। तो वो लगातार मैंने 1 साल टैक्सी चलाई, उसके बाद फिर हॉट डॉग बेचे, बर्गर बेचे, बहुत
बहुत पापड़ बेले और लेकिन उसका भी बहुत मजा था। आपका अगला प्रश्न है 1,00,000 रुपयों के लिए और खिड़की है 30% की और प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत बोरिंग होता है? अनुमान लगा लीजिए। ट्वेंटी थ्री टू फिफ्टी फोर परसेंट। ये थोड़ा और थोड़े ऊपर शायद कम उम्र के लोगों को लगता होगा ना बोरिंग। उनको लगता होगा ना बोरिंग, लेकिन जो थोड़े से एल्डर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो यो वो सब नहीं कर पाते हैं, हाँ उनको शायद ये नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ अभी भी बिल्कुल उसको एक बंदगी की तरह, इबादत की तरह, पूजा की तरह माना जाता है, और मेरे दिल में तो मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ। लेकिन ये होता है कि जो सुर में गाएं तो बहुत मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। जो बुजुर्ग कुछ सितार बजाते हैं, कुछ गाते हैं, उनका तो फिर वाकई लगता है बहुत बोर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे उस्तादों ने तो राज किया ही। तो एक ऑडियंस का पोल देख लेते हैं अपन। जी 25 से लेके 55 तक की चोटी है, आप 23 से लेके 53% पे आए। छापो छाप लिए, एक नंबर उतर कर दो, एक नंबर। बस बस का दम 24% से लेके 54%। छापो भाई छापो। पाजी ने छापा है, तो आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये लगता है। बाजी बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका रियल नेम दलेर मेहंदी है या इसके पीछे कोई राज है? इसके पीछे मेरा नाम दलेर, फुल नाम है डाकू दलेर सिंह। जी डाकू दलेर सिंह, डाकू दलेर सिंह जो मेरे माँ बाप ने मेरे जन्म से पहले मेरा नाम सोचा रखा था, और बाद में वो ये नहीं मालूम था कि गा के लूटेगा या डकैती मार के लूटेगा। मैं परवेज मेहंदी साहब की गजलें बहुत गाता था। अच्छा। जैसे वो रुलाता है तो रुलाए मुझे जी भर के दिन, वो रुलाता है तो रुलाए मुझे जी भर, मेरी आंखें हैं वो मैं उनको रुलाऊं कैसे, टूट जाए मोहर। परवेज मेहंदी साहब बहुत अच्छे गायक, गजल गायक थे जी। तो मेरे अमर जी भाई बोलते कि तेरा नाम मैंने कुछ सोच लिया, तो हरदम कुछ फनी बोलते रहते थे। मैंने कहा फिर कुछ गंदा सा सोच लिया होगा। नहीं नहीं यार, तूने बड़ा सोना सोचा है, क्या तेरा नाम होना चाहिए था दलेर मेहंदी। तो दलेर मेहंदी ऐसा एक लकी नेम दिया उन्होंने, तो सारी दुनिया में लोग जानते हैं दलेर मेहंदी। और सलमान भाई ने भी बहुत सारे अच्छे सिंगर्स को मौका दिया जो क्लासिकल गाते हैं, जैसे कि हिमेश भाई बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, इन्होंने उनको ब्रेक दिया जोरदार।
आप मुझे बताएं कि ये बहुत शरारती हुए होंगे। जी काफ़ी बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा। और कभी इन्होंने आपने इनको एक चपेट लगाया बचपने में? जब बहुत छोटा था बीका और कभी भी शरारत करता था, तो हमारे बड़े भाई हैं अमरजीत, उन्होंने तकरीबन यही काम, उनको कहते थे कि एक गेम बना दी उन्होंने कि इसको मारना है तो किस तरीके से मारा जाए, क्योंकि फादर साहब का बहुत ही बहुत प्यारा लाडला बच्चा अभी तक। तो इन्होंने गेम बना दी हम लोगों ने कि इसको एक पहले हल्का झांपड़ मारा, तो मैं बोला इसने थोड़ा रोने लगा, तो क्या मिके बबुआ बबुआ छोटा सा बबुआ, क्या ये गेम है बबुआ, जब तेरे को मारेंगे तू बबुआ बन जाएगा बिल्कुल निडर। तो बोला अच्छा। बस उसके बाद फिर दिन में मतलब जो आ रहा है एक झांपड़ मार दे खींच के मिके, जैसे जैसे मुझे गुस्सा आता था बबुआ तो मैं हंसने लग गया, बबुआ ये हंसने लग गया। बचपन में इन्होंने मेरे दम पे ऐश की और बड़े होके मैं इनके नाम से ऐश कर रहा हूँ। आपका अगला प्रश्न 10 लाख रुपयों के लिए, खिड़की है 20% की। प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का उसी लड़की पर दिल आ गया जिसको उनके भाई पसंद करते थे? कटरीना भाभी बहुत डाउटफुल, मुझे तो डाउटफुल, मुझे कटरीना भाभी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी जगह भाभी के चरणों में, वहाँ वो मेरी भाभी है, मैंने बोल दिया भाभी, वहीं तुम्हारी जन्नत है। वो बबुआ गेम खेले इनके साथ, बबुआ खेला। एक अनुमान लगाइए, आप भी एक अनुमान लगाइए प्लीज। जी 20-40% ओके जी। आइए हमारे मुंबई के ऑडियंस का पोल देख लेते हैं। 20-40 तो आपने 20% से लेके 40% पर अनुमान लगाया, क्या करना चाहते हैं आप? जी छापना चाहते हैं। छापना जी, छापो छापो छापा जाए, छाप दिया दिनेर पाजी ने, छाप दिया। इस बार आपने बहुत शायद थोड़ी सी घाई में छापा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे चांस और अच्छा मज़ा आया ज़िंदगी में, जैसे एक बार बच्चन साहब के साथ जब परफॉर्म किया नाना नाना नारे, और तब बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अगर कुछ मज़ा आया इंडस्ट्री में तो आज बहुत खुशी हुई। थैंक यू फादर, शुक्रिया, थैंक यू। आए यार दिनेश पाजी, आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, क्योंकि थोड़ा सा आपको अभी संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप 10 लाख रुपए जीतेंगे, अगर गलत हुआ तो आप 10,000 रुपए जीतेंगे। हाँ तो ये होना चाहिए कि जैसे मुझे मान लीजिए थोड़ी सी अगर मान लीजिए घबराहट है जी, तो घबराहट को कैसे दूर किया जाए? कैसे आप
आपकी घबराहट दूर कर दी गई। तो आए देखें व्हाट इज द परसेंट। दस लाख। तो आप दो कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। इस बार खिड़की होगी 10% की। और आपका अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपयों का। आप ये 10 लाख रुपए की जीती हुई रकम लेकर जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जाएंगे नहीं। सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। जी हाँ, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत दी है? आपने कितनी बार रिश्वत दी है? जितनी बार भी गाड़ी रोकी है, और स्पेशल रोक लेते हैं वैसे ही जी, और सारे जा रहे थे कई बार मुझे, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करता हूँ। अभी तो कोई रोक नहीं होता, और दिलेर पाजी करके ये नहीं, बस रोक लेते। फिर मेरे साथ हरदम बॉबी होता है, वरिंदर। वरिंदर उत्तर यार जो इन्हू कहना क्या, फटाफट समझा। नहीं सर, आप अपना वो लाइसेंस दिखाइए यार, जाए समझा फटाफट। वो जाता है, 2 मिनट बात करता है फिर। अच्छा आप थे सर, हमने पहचाना नहीं, आप थे, सॉरी। अरे दिलेर जी, अपने पैसे ले लेते, भेज देते फिर। नहीं, क्योंकि हम लोग ही सोचते कि अभी लेंगे, चालान करेंगे, फिर कोर्ट कचहरी ये वो। वही क्योंकि मालूम है कि वहाँ पे प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि आप वहीं पे 3 साल वहीं खड़े हैं। हाँ जी, आपने रेड लाइट क्रॉस की थी। सर ये मैंने रेड लाइट क्रॉस की थी, यही चलता रहेगा। एक अनुमान लगा लीजिए, आप भी एक अनुमान लगाइए प्लीज। सोच समझ के लगाइए, क्योंकि ये 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न है। एक बार पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का पोल देखना चाहेंगे। से लेके 100% तक। मुझे लगता है कि इस प्रश्न में ऐसा हो गया कि जिन जिन ने नहीं दिए भी होंगे ना, वो भी बोल रहे हाँ दिए, हाँ दिए। हमारे बेचारे पुलिस वाले जो कि इतनी मेहनत करते हैं, हर काम अच्छा करते हैं, और कम तनख्वाह में करते हैं, तो ये तो खुशी खुशी दे के जाना चाहिए भाई। सही बात, उसे रिश्वत नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि गिफ्ट है, बिना रोके बॉस ये आपके लिए। 48 to 58 क्या करना चाहिए? छापा जाए, छापा जाए। कितना ऊपर? 60-70 80-90 कर दो यार। छापा जाए 59% चले गए 69% पर। दिलेर पाजी ने छाप दिया। आए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत दी है। चल मिके चलिए। <laughs>
दिलेर पाजी अफसोस के एक करोड़ नहीं जीत पाए, लेके जा रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन बहुत अच्छा खेल है, तालियां प्लीज। मस्ती भरी रात है, 10 कदम का भी साथ है, हर सामान जी के साथ ले लो मजा, जाने से पहले सैमसंग स्टार टच फोन से मैं आपकी एक फोटोग्राफ क्लिक करूंगा। आपकी कहीं भाई? सब असली भाई, असली भाई, असली भाई, असली भाई, असली भाई। अंदर छुपन जाओ, अंदर अंदर अंदर। हम फिर से लौटेंगे एक और रात ऑन सैटरडे इन 10 का दम, आपका फेवरेट शो।